गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 8 का पुनरावर्तन 1। पुनरावर्तन यानी पुनरावर्तन। पुनरावर्तन यानी हमने अभी जब तक के जो पाठ पढ़े हैं उसको उसका हमें यहाँ रिपीटाइजेशन करना है, रिपीट करना है, रिविजन करना है, जिससे हम है वो पहले सीखा हुआ भूल ना जाइए। इसलिए हमें पुनरावर्तन करना चाहिए और पढ़ाई में भी हमें है वो पुनरावर्तन यानी रिवीजन करते रहना चाहिए, जिससे हम है वो पहले सीखी गई चीजें भूले नहीं। पुनरावर्तन में पहला है इन शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए। तो बच्चों ये सब शब्द है इसको हमें शब्द कोश के क्रम में लिखना है, यानी शब्द कोश में जो क्रम है वह हमने है वो शब्द कोश का क्रम है वो पहले सीखा हुआ है। तो इससे सबसे पहले आएगा आकार, फिर आएगा गृह, फिर आएगा थोड़ा, फिर आएगा निशा, आगे आएगा पेट, फिर फल, फिर राष्ट्र भाषा, और यहाँ पे है समीक्षा, और अंत में आएगा सूर्य। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 है इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों ये सब है शब्द है उसको पुरलिंग में है, हमें है वो स्त्रीलिंग में बनाना है और वो स्त्रीलिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहला है युवक, युवक का स्त्रीलिंग होगा युवती। तो मैंने बाजार में एक युवती देखी। फिर दूसरा है पंडित, उसका होगा पंडिताइन। तो पंडिताइन से हम शब्द बनाएंगे कि राधा की पूजा एक पंडिताइन ने करवाई। आगे है छात्र, तो उसका स्त्रीलिंग होगा छात्रा। तो कक्षा में 2 छात्रा बैठी थी। फिर है अथवा ऐसा भी हो सकता है कि कक्षा में कोई छात्रा नहीं थी। फिर आगे है अध्यापक, तो अध्यापक का अध्यापिका। हमारे घर अध्यापिका आई थी। आगे है डॉक्टर, तो डॉक्टर नी। मेरा इलाज एक डॉक्टर नी ने किया। फिर है माली, तो मालिन। बगीचे में मालिन फूल तोड़ रही थी। फिर आगे है निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मूर्ति, तो मूर्तिया होगा। मूर्तिया से वाक्य में प्रयोग करें तो चित्रकार के पास 2 मूर्तियां थी। फिर है दिशा, तो दिशाए, तो 10 दिशाओं से अच्छी और पवित्र ध्वनियां सुनाई दे रही थी। फिर है कहानी, तो उसका वचन परिवर्तन करे तो कहानियां होगा। प्रेमचंद ने कई कहानियां लिखी है। फिर है गमला, और उसका बहुवचन करे तो गमले होगा। मैंने एक दुकान में कई सारे सुंदर गमले देखे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए एक नए शब्द बनाइए। तो आप सबको पता है उपसर्ग है वो, तो वो शब्दांश है जो शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय वो शब्दांश है जो शब्द के पीछे लगता है। तो हमें यह देखना है कि शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा और शब्द के पीछे कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो ज्ञान है तो प्र उपसर्ग लगाए तो प्रज्ञान होगा। फिर मानव है तो ता प्रत्यय लगाएंगे तो मानवता होगा। शब्द के आगे उपसर्ग, शब्द के पीछे प्रत्यय। फिर है मुख, मुख के आगे वी उपसर्ग लगाए तो विमुख होगा। और हाजिर है तो उसके आगे गैर प्रत्यय उपसर्ग लगाए तो गैर हाजिर होगा। फिर है समाज, तो उसमें एक प्रत्यय लगेगा यानी सामाजिक। फिर है कुल, तो इन प्रत्यय लगेगा तो कुलीन। आगे है हिंसा, तो यह उपसर्ग लगेगा,
हिंसा में उपसर्ग आएगा अ, तो अहिंसा। आगे है शान, शान में हमें है वो प्रत्यय लगाना है। तो ये है होमवर्क का सवाल है, आपको इस सवाल का जवाब है वो मुझे कमेंट में लिख के बताना है। जिसको भी सवाल का जवाब आएगा वो बहुत ही होशियार माना जाएगा। तो बच्चों इस पुनरावर्तन में हमने सीखा शब्दकोश, फिर लिंग परिवर्तन सीखा स्त्रीलिंग और पुरलिंग, फिर वचन परिवर्तन सीखा एकवचन का बहुवचन, फिर हमने सीखा उपसर्ग, उपसर्ग जो शब्द के आगे शब्दांश लगता है वो, शब्दांश यानी पूर्ण शब्द नहीं पर शब्द का छोटा सा अंश, और फिर सीखा प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगने वाला प्रत्यय, शब्द के आगे लगने वाला उपसर्ग। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, विभक्ति है वो सब प्रत्यय होते हैं, यानी जो विभक्तियां है वो सब प्रत्यय के रूप में शब्द के पीछे लगती है, इसलिए उसे विभक्ति प्रत्यय भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है वो पुनरावर्तन एक खत्म होता है, अगले वीडियो में हम है वो अगला पाठ सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।